Okay, I shared my screen. Is it visible? So, what's the preferred language? Hindi or English? Hindi samajhte hain sabhi? Yes, no, mix? Okay. Okay. ओके कोई भी दिक्कत हो तो चैट बॉक्स ओपन है. ओके सो क्या देखने वाले हैं, पहले वो ले लेते हैं एक ओवरव्यू. पहले हम समझेंगे कि रिएक्ट का यूज हम क्यों करते हैं, बहुत बेसिक से व्हाई वी यूज रिएक्ट एंड रिएक्ट की क्या जरूरत है. और उसके बाद समझेंगे जेएसएक्स, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके बारे में समझेंगे, जेएसएक्स कॉम्पोनेंट क्या होता है एंड कितना जावास्क्रिप्ट जरूरी है रिएक्ट के लिए. तो जावास्क्रिप्ट पे बात नहीं करेंगे, जस्ट टॉपिक देखेंगे कौन कौन से हैं जो कि आपको आने चाहिए. एंड देन उसके बाद हुक्स देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हुक्स में हम यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज इफेक्ट इनके बारे में देखेंगे, व्हाट आर डिपेंडेंसीज इन यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, नॉट इन यूज स्टेट, इन यूज इफेक्ट ओनली. एंड देन रीरेंडरिंग कब होती है कॉम्पोनेंट की वो समझेंगे. एंड देन रिएक्ट राउटर देखेंगे, कैसे आप सिंगल पेज एप्लीकेशन में मल्टी पेज का जो एक इल्यूजन है वो क्रिएट कर सकते हो. ओके एक पेज ही होगा लेकिन मल्टी पेज कैसे आप क्रिएट करते हो उसको समझेंगे. ओके इज इट क्लियर? सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हुआ है जिसमें एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रखा है ताकि नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल होने में टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट रेडी है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक बेसिक सा प्रोजेक्ट जो कि मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करके क्रिएट किया है. ठीक है सब भी जानते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या होता है. ओके ठीक है तो रिएक्ट का यूज क्यों करते हैं, एनीवन कोई भी बताना चाहेगा? यस नो अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक. ओके बिल्ड द यूआई. ओके जस्ट अ मिनट. ओके नाउ फॉर एप्लीकेशन सिंगल पेज यूआई फ्रंट एंड डेव्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है डेवलपमेंट के लिए इजी टू लर्न. ठीक है easy to learn when you know JavaScript. okay. क्या होता है कि जब React नहीं था उस time पे क्या करते थे हम कि जो client end है, client end पे अगर हमको किसी button पे click करके कुछ करना है तो उसके लिए हम जो vanilla JavaScript है वो लिखते हैं. vanilla JavaScript किसको कहते हैं? vanilla, when I use Java, vanilla JavaScript इसका मतलब ये है कि जो browser की जो DOM API है ना, जो core API है, raw code, कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज नहीं, कोई भी यूटिलिटी नहीं, जो पहले से मिला हुआ है ब्राउजर के साथ जो जावास्क्रिप्ट थी उसमें डॉम एपीआई में, उसको हम कहते हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट. देन वैनिला जावास्क्रिप्ट के ऊपर कुछ रैपर्स आ गए हैं. रैपर्स का मतलब ये है कि आप और कम कोड लिख के वो काम कर सकते हो जो आप पहले वैनिला जावास्क्रिप्ट में ज्यादा कोड लिख के करते थे, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया तो आपको एक एलिमेंट मिलता है. वो काम हमको नहीं करना पड़ता रिएक्ट में, क्योंकि रिएक्ट में हमको कुछ कोड पहले से मिल जाता है जो इंटरनली ये काम करके देगा और हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है तो रिएक्ट, जेक्वेरी, ये सारी लाइब्रेरीज जो बाद में आई और फिर हम इससे एक रिच इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करने लगे. ठीक है और इंटरैक्टिव एप्लीकेशन मतलब कि ये स्टैटिक नहीं है, आप ब्राउजर पे क्लिक करो और आपका पेज रीलोड होगा, नॉट रीलोड पर एक कॉम्पोनेंट इन द सेम प्लेस वो रीरेंडर होगा और उसका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा. तो ये सेम काम करने के लिए हमको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड हमको लिखना पड़ता था पहले इन वैनिला जावास्क्रिप्ट. बाद में ये काम बहुत आसान हो गया ना. तो रिएक्ट को समझने के लिए
एक बहुत छोटा सा क्रैश कोर्स जरूर करना आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी, विच इज सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे होती है आप इसको अगर समझ गए तो ये भी एक्ट और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिएक्ट में, रिएक्ट को हम यूज कैसे करते हैं, यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप एक टूल है जो सिंपली आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है, एंड लास्ट में आप जब बिल्ड करते हो प्रोजेक्ट तो आपको सिंपल एक फाइल मिल जाता है, एचटीएमएल फाइल, उसके अंदर सारा जावास्क्रिप्ट बंडल होके ऐड हो जाता है, एंड देन फिर उस सिंगल एचटीएमएल फाइल में वो जावास्क्रिप्ट काम करता है और जो भी कोड आपने लिखा है वो उसके हिसाब से बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम इसको बिना सीआरए के भी कर सकते हैं, सीआरए मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप, बट वहां तक जाने की अभी फिलहाल इस लेवल पे जरूरत नहीं है। तो मैंने एक सीआरए का के यूज करके एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, देन उसको मैंने रन किया है यूजिंग एनपीएम स्टार्ट। ओके, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है स्टार्ट स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड में ये हिट होता है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे आप एचटीएमएल लिखते हो जो कि थोड़ा सा अलग है, विच इज नॉट प्योर एचटीएमएल, विच इज जीएसएक्स। क्या है जीएसएक्स वो देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इज माई स्क्रीन विजिबल राइट? या सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिव, एंड क्लास की जगह पे लिखा क्लास नेम, क्योंकि एचटीएमएल में क्लास होता है, यहाँ पे क्लास नहीं होता, मैं क्लास नेम होता है। क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप एंड हेडर एंड देन इमेज देन पैराग्राफ एंकर टैग हेडर एंड अगेन डिव, क्लोज हो गया। तो ये एचटीएमएल टैग्स हैं जो कि लगते हैं हमको एचटीएमएल टैग हैं, लेकिन ये एचटीएमएल नहीं है, इसको हम कहते हैं जेएसएक्स। जेएसएक्स का मतलब है जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल, ठीक है। तो एक्सएमएल एंड एचटीएमएल में क्या सिमिलैरिटी है, एक्सएमएल एंड एचटीएमएल दोनों जो है मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज हम करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो एक्सएमएल प्लस जावास्क्रिप्ट को आप जब मिक्स कर देंगे तो हम उसको कह रहे हैं यहाँ पे जेएसएक्स। तो अल्टीमेटली ये जो जेएसएक्स हमने लिखा है ये बिहाइंड द सीन एचटीएमएल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, नॉट एचटीएमएल, ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा, एंड वो जावास्क्रिप्ट आपके लिए ये एचटीएमएल पेज पे रेंडर करेंगे। तो उसको लाइव चेंज करके आपने देखा है कि ये जेएसएक्स कैसे चेंज होता है। एनीवन? नो? ओके, लेट्स सी। हमारे पास एक टूल है बेबल, जहां पे हम जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेनिला जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं जेएसएक्स का, कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, डायरेक्ट गूगल पर सर्च करते हैं जेएसएक्स टू जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर का जो फॉन्ट है ज्यादा छोटा तो नहीं है, इज इट फाइन? ट्राई इट आउट एंड देन रिएक्ट नाउ। यहाँ पे हमने लिखा, जस्ट हमने H1 लिखा जो कि लगता है कि HTML है, बट एक्चुअली में HTML नहीं है। नाउ यू कैन सी कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, देख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्रिएट रिएक्ट ऐप, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड देन उसको एक H1 पास किया, एंड देन नल। नल क्या है वो उसको समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल, एंड हेलो, हेलो मतलब इसका टेक्स्ट। तो ये जो मैंने JSX लिखा ये बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में। अब जस्ट थिंक, अगर मैं ये जावास्क्रिप्ट लिखने लगा तो कि मेरा काम कितना टफ हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं और इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे। नाउ यू कैन सी ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जब ये जो जेएसएक्स से कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, जो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि हमारे लिए लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जेएसएक्स का जो इंटरनली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन ये है ये आपके लिए एचटीएमएल क्रिएट करके देगा ये जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसको समझने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली हमको उससे क्या करना है, इसलिए तो हम टूल का यूज कर रहे हैं, बट पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में कुछ तो हो रहा है। ओके, ये जादू नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल्स कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे यहाँ पे कंपोनेंट डिवाइड होते हैं और कंपोनेंट का यूज क्यों करते हैं। तो जब आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो हर एक एप्लीकेशन कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ पीस ऑफ कोड, पीस ऑफ यूआई में वो डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, इसकी बात करें, ये रिएक्ट में नहीं बना होगा मे बी, बट अगर मैं इसे रिएक्ट में बनाऊंगा तो, या फिर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको रिपीटेड दिखती हैं, राइट। जैसे कि आपके पास साइड बार है, इतना क्लियर नहीं है ये एग्जाम्पल, लेट्स ओपन समथिंग एल्स। ये amazon.com है, सभी विजिट करते हैं।
यहाँ पे एक रिपीटेशन दिखता है हमको। वो रिपीटेशन क्या है कि ये जो कार्ड आप देख रहे हैं मोस्ट सर्च्ड स्मार्टफोन सीरीज ऑन अमेजोन, ये जो व्हाइट कार्ड है ये बाकी के व्हाइट कार्ड सारे एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। अब इस व्हाइट कार्ड के अंदर भी यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं, सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, बस उसका डेटा चेंज हो रहा है। डेटा मतलब कि इमेज, उसका टेक्स्ट और उसका एमआरपी और जो भी प्राइस है वो चेंज हो रहा है। बाकी लुक्स, लुक वाइज यूआई उसका सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी सेम बटन, यहाँ पे भी सेम बटन, यहाँ पे भी सेम बटन। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट हम क्या करते हैं, हम इस कोड को एक बार लिख लेते हैं। नॉट ओनली फॉर रिएक्ट, हर एक टेक्नोलॉजी में ये सेम होता है, ठीक है। हम एक बार कोड लिख लेते हैं, हमने एक बार कार्ड बना दिया और उस कार्ड का सिर्फ हम डेटा चेंज करते जाते हैं और ऐसे और भी कार्ड्स बनाते जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो कॉम्पोनेंट है वो रीयूज हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे एक सिंपल कॉम्पोनेंट। नाउ कॉम्पोनेंट क्या है, कॉम्पोनेंट के पास है यूआई प्लस उसका डेटा एंड प्लस उसका लॉजिक। लॉजिक, डेटा एंड यूआई को आप मिक्स कर दोगे तो उसको हम कहेंगे कॉम्पोनेंट। एंड वो जो यूआई और उसका लॉजिक वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होगा, तो आप उसको कहीं और भी रीयूज कर सकते हो, कुछ इनपुट्स दे सकते हो। जैसे आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन को इनपुट देते हो, इनपुट देके आप उसका बिहेवियर चेंज कर देते हो ना, सेम वे हम कंपोनेंट को भी इनपुट देके उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कंपोनेंट है, इसके अंदर 4 कार्ड हैं, बट हर एक कार्ड का नाम अलग है, हर एक कार्ड का प्राइस अलग है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम इनपुट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, इसको हम प्रॉप्स कहते हैं टेक्निकल भाषा में। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सेम चीज वही है, आगे भी सेम चीज सर रिपीट प्रॉप होगी। प्रॉप्स का एक बार और बता दें। हाँ, प्रॉप्स हम आगे देखेंगे, अभी प्रैक्टिकली जब समझेंगे चीजों को तो सारी चीजें आएंगी। तो जो मैं अभी थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ वो हम कोड में देखेंगे। ठीक ओके सर, ठीक है, इतना काफी है रिएक्ट के लिए। नाउ वापस चलते हैं रिएक्ट पे एंड देन समझते हैं इसको कि कंपोनेंट तो हमने समझा क्या होता है थ्योरेटिकली। नाउ लेट्स क्रिएट द कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, इससे पहले ये सारा कुछ रिमूव कर देते हैं। सर एक सिंपल डेफिनेशन दीजिए ना कंपोनेंट का, डेफिनेशन थोड़ा सा। ओके, कंपोनेंट का डेफिनेशन फॉर इंटरव्यू, ठीक है। कंपोनेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूआई एंड यूआई लॉजिक एंड द डेटा। लॉजिक को हम कह सकते हैं एक्शंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस विच आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द यूआई, व्हेन यू क्लिक ऑन अ बटन व्हाट शुड हैपन, दैट वी विल डिफाइन इन द एक्शंस और द लॉजिक पार्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक, डेटा एंड द यूआई। यूआई का मतलब HTML CSS, बस इतना ही है एक लाइन में, ठीक है। नाउ कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, एक फंक्शन होता है, कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा फंक्शन जो कि आपको GSX रिटर्न करके देता है, वो है कंपोनेंट, ठीक। नाउ एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक बटन कंपोनेंट क्रिएट करना है, या फिर एक एक कंपोनेंट जो कि हेलो बोले, ठीक है। सो से हेलो, ये कंपोनेंट बनाया। अब ये फंक्शन है, लेकिन हम जब जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो हम हमेशा एक कन्वेंशन होता है फंक्शन क्रिएट करने का कि हम उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। मैंने बहुत क्या करना है कि कन्वेंशंस फॉलो नहीं करते हैं। कन्वेंशंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले एरर नहीं आती है उससे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशंस मतलब कुछ परंपराएं, कुछ प्रथाएं जो हम फॉलो करते हैं, भले उसका कोई मतलब नहीं है। करते हैं हम लोग अपने सोसाइटी में, चप्पल उल्टी नहीं रखना है, कुछ नहीं होता पर नहीं रखते, ठीक। तो वैसे ही कोड में भी होता है। तो आपको क्या करना है कि कन्वेंशन को फॉलो करना है, उससे आसानी होती है दूसरों को कोड समझने में। जैसे कि मैंने कहा फंक्शन, जब आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हो तो जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, ये कन्वेंशन है। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कॉम्पोनेंट है। तो कॉम्पोनेंट का एक कन्वेंशन होता है कि हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ये आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि फंक्शन या फिर कंपोनेंट है। फंक्शन तो है बट स्पेशल टाइप का फंक्शन है विच इज कंपोनेंट। तो कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया। कंपोनेंट क्या करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जो कि है JSX। अब कुछ JSX, जरूरी नहीं कि JSX में आपको एक HTML जैसा कुछ टैग ही रिटर्न करो, कुछ वैलिड JSX हैं, जैसे कि 0 खुद में एक JSX वैल्यू है, कोई भी एक नंबर एक JSX वैल्यू है, कोई भी स्ट्रिंग आपने रिटर्न किया जो कि एक JSX वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने H1 एंड देन हमने लिखा हेलो एंड देन वीरेंद्र, ठीक है।
ना उस कंपोनेंट को यूज करने का क्या तरीका है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड देन से हेलो लाइक दिस। तो जो भी आप यहाँ पे लिखते हो और जो भी इसके अंदर से जो रिटर्न होता है इंटरनली, ये फंक्शन कॉल होगा एंड जो भी यहाँ पे रिटर्न होता है वो आपको पेज में दिखेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक कंपोनेंट का अपना डेटा होता है, हम उसको बाहर से इनपुट देके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो हेलो वर्ल्ड है उसको अगर मैं 4 बार लिखता हूँ 3 बार लिखता हूँ तो उससे नाम चेंज नहीं हो रहा है, हेलो वीरेंद्र ही आ रहा है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ यूजिंग इनपुट, और फंक्शन को हम इनपुट कैसे देते हैं, पैरामीटर बॉडी में। सिंपल सिंपल जावास्क्रिप्ट है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है रिएक्ट में। जावास्क्रिप्ट अगर आपका अच्छा है देन कुछ भी नहीं है इसमें। फंक्शन है, फंक्शन को इनपुट देना है, पैरामीटर सेंड करेंगे पैरामीटर यहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है, जब आप यहाँ पे पैरामीटर सेंड करते हो तो की और वैल्यू के फॉर्म में करते हो, तो की एंड वैल्यू। तो आप इसमें की पास करोगे, फॉर एग्जाम्पल नेम मैंने पास किया विच इज वीरेंद्र, देन अगेन एक नेम पास करते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ओके। नाउ इस जो आप की वैल्यू पास करते हो यहाँ पे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। स्पेशल कुछ नहीं है, पैरामीटर है जिसको हमने प्रॉप नाम दे दिया है। आप इसको परम्स बोल सकते हो, आप इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, बट अगेन कन्वेंशन है कि हम सब लोग उसको प्रॉप्स बोलते हैं, तो आप भी उसको प्रॉप्स बोलो। प्रॉप्स बोल दिया, अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है, की वैल्यू और भी की वैल्यूज हो सकती हैं, और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉप है ये एक ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, console.log props। Now see, मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लास्ट में चलते हैं, ओके लेट मी, हाँ नाउ ओके, इसके अंदर आया नेम वीरेंद्र, नेम वीरेंद्र, नेम संदीप लाइक दिस। तो इस प्रॉप के अंदर जो आप यहाँ से सेंड कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, और क्योंकि प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर नेम है, और जीएसएक्स के अंदर आप एक अगर डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो, और उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे वो आपको पेज पे दिखेगी लाइक दिस। इसके अंदर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मतलब प्लस माइनस जो भी लॉजिकल पार्ट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वैसे ही हम इस प्रॉप का वैल्यू डॉट नेम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। दिस इज प्रॉप्स एंड हमने उसको चेंज डेटा सेंड किया यूजिंग प्रॉप प्रॉप डॉट नेम। तो अभी जो यूआई है वो चेंज हो रहा है, बट इंटरनली एक ही फंक्शन रन हो रहा है इसके पीछे, बट डेटा अलग अलग है। तो ये हमने एक कॉम्पोनेंट क्रिएट किया। अगर आपने नेम पास नहीं किया है तो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, लॉजिकल कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। अगर नेम नहीं है तो मैंने और सिंबल का यूज किया और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो यूजर, तो जहाँ पे आपने नेम पास नहीं किया वहां पे यूजर आएगा। दिस इज प्रॉप। यहाँ तक कोई डाउट? नो? सर प्रॉप्स को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे हम? प्रॉप्स आपके फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं। प्रॉप्स आर इनपुट टू योर फंक्शन। और थोड़ा और टेक्निकली अगर हम रिएक्ट के टर्म में बोले तो हम इसको कहते हैं कि वी यूज प्रॉप्स टू पास डेटा टू दी चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट मतलब आपके पास ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, उसका मतलब से हेलो ऐप का चाइल्ड है। तो इस चाइल्ड को जब आप डेटा पास करते हो यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म में होगा कि वी यूज प्रॉप्स टू पास डेटा टू द चाइल्ड कंपोनेंट। इन द सेम वे हम चाइल्ड से भी डेटा वापस अपने पेरेंट को पास कर सकते हैं यूजिंग प्रॉप एज अ फंक्शन, फंक्शन के फॉर्म में फंक्शन को कॉल करके डेटा पास करते हैं। तो फंक्शन एज अ प्रॉप भी हम पास कर सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा रॉ लैंग्वेज में समझना है तो कुछ नहीं, कंपोनेंट को इनपुट दे रहे हैं यूजिंग प्रॉप्स, दैट्स ऑल, ठीक है। एक लाइन में अगर आंसर नहीं आता है दैट इज फाइन, अब प्रैक्टिकली अगर आप स्ट्रांग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ें, ब्लॉग्स डॉक्यूमेंटेशन वो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को सुधारने के लिए कि क्या बोलना है कितना बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं कि प्रॉप में अगर आप प्रॉप में हम कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू मतलब जावास्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू है वो हम पास कर सकते हैं। फंक्शन भी एक वैल्यू होता है जावास्क्रिप्ट, तो हम इसको एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन पास करते हैं, एक एक फंक्शन
हमने इसको कहा ऑन क्लिक, क्योंकि नाम से समझ में आता है कि ऑन क्लिक पे ये फंक्शन रन होगा लाइक दिस। एंड देन इसको हमने पास किया एक फंक्शन, एक एरो फंक्शन, हमने एरो फंक्शन पास किया, इसके अंदर कुछ कोड लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग यू क्लिक्ड लाइक दिस। ठीक है, इस फंक्शन को अलग से भी बना सकते हैं, कट करते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर, कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर एंड देन फंक्शन। इस ऑन क्लिक को ये क्लिक हैंडलर पास कर देंगे लाइक दिस, एंड जैसे कि नेम हमने पास किया और उसको रीड किया प्रॉप्स के थ्रू, वैसे हम ऑन क्लिक को भी रीड कर सकते हैं यहाँ पे। और हर एक जेएसएक्स में एक इवेंट होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि H1 हर एक एलिमेंट में, हर एक एचटीएमएल एलिमेंट में क्लिक इवेंट होता है, तो इस एलिमेंट पे भी ऑन क्लिक इस तरह से क्लिक एलिमेंट होगा, क्लिक इवेंट एंड देन प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक लाइक दिस। तो जब भी मैं इस H1 पे क्लिक करूंगा, ये ऑन क्लिक पे जो प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक हमने पास किया, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से पेरेंट कॉम्पोनेंट से, तो ये क्लिक हैंडलर इस पे रन हो जाएगा। क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी ऑन क्लिक रन हो रहा, इस पे नहीं रन हो रहा क्योंकि हमने इसको पास नहीं किया कुछ भी, एंड इसको भी हमने पास नहीं किया लाइक दिस। ठीक है, तो हम फंक्शन को प्रॉप में सेंड कर सकते हैं। नाउ अगर फंक्शन जो आपने प्रॉप सेंड किया तो उसको आप डेटा भी पास कर सकते हो, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इसका मतलब है कि जहां से हमने इसको कॉल किया है तो हम इसको डेटा भी पास कर सकते हैं। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करते समय कुछ डेटा पास करते हो तो आप चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से पेरेंट को डेटा पास कर रहे होते हो, क्योंकि ये पेरेंट, ये जो फंक्शन है पेरेंट कंपोनेंट के पास रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर सेंड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा params एंड देन यहाँ पे हमने लिखा param लाइक दिस, ये जो फंक्शन ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे। तो इस ऑन क्लिक को कॉल करते टाइम हम इसको कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं, तो ये मैंने वैल्यू पास किया, बट इस फंक्शन को हमें अभी भी कॉल नहीं करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे। इसका मतलब है कि ये एरो फंक्शन हमने ऑन क्लिक को दे दिया, और जब हम क्लिक करेंगे तो ये एरो फंक्शन कॉल होगा, और एरो फंक्शन इंटरनली ऑन क्लिक को कॉल करेगा लाइक दिस। देखो 12 आ रहा है पैरामीटर में, तो इस वैल्यू को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑन क्लिक करने पे इस प्रॉप को जो आपने नेम पास किया वो नेम ही आप वापस से रिटर्न करना चाहते हो लाइक दिस, यू क्लिक्ड वीरेंद्र। ठीक है, क्लिक हैंडलर का फर्स्ट लेटर स्मॉल क्यों है, क्योंकि क्लिक हैंडलर एक फंक्शन है, ये कंपोनेंट नहीं है। दिखने में वो फंक्शन है बट उसका काम क्या है, सिंपल सा एक फंक्शन है, वी आर नॉट रेंडरिंग इट एज अ कंपोनेंट। एंड से हेलो एक फंक्शन नहीं, एक कंपोनेंट था, फंक्शन है बट स्पेशल है थोड़ा, वो कंपोनेंट है। एंड क्लिक हैंडलर एक फंक्शन है, ये कंपोनेंट नहीं है, इट इज नॉट नॉट रिटर्निंग JSX, इसलिए मैंने इसको स्मॉल केस में रखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से प्रॉप में हमने डेटा पास करना भी सीखा। अभी हम देखते हैं कि ओके ठीक है, और कोई डाउट किसी को, अभी समझेंगे यूज स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने डेटा पास किया पेरेंट से, लेकिन हर एक कंपोनेंट का खुद का स्टेट भी हो सकता है जो उसके पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि मैंने इस आइटम पे क्लिक किया या नहीं किया, क्लिक किया तो उसका कलर मुझे अगर रेड रखना है, नहीं किया तो ग्रीन रखना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको पेरेंट से कस्टमाइज नहीं करना चाहते हो, उसके इंटरनल स्टेट है वो, तो उस इंटरनल स्टेट को आप कैसे मैनेज करोगे। मान लेते हैं कि ये एग्जांपल ठीक है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मान लेते हैं ऐप कंपोनेंट में आते हैं, तो ऐप कंपोनेंट को, ये तो पहला कंपोनेंट है, उसको कौन डेटा पास करेगा, तो कुछ तो स्टेट होगा जो इनिशियली हम मैनेज कर रहे होंगे कहीं पे। प्रॉप्स को अगर हम छोड़ दें, प्रॉप्स का हम यूज कर रहे हैं चाइल्ड को डेटा पास करने के लिए, लेकिन कोई स्टेट है जिसको हमने कहीं तो रखा होगा और जिसको हम चेंज भी करेंगे। अभी जो हमने पास किया डेटा हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम इसको सिर्फ रीड कर रहे हैं, बस ये स्टैटिक डेटा है, डायरेक्टली मैंने पास किया, बट इसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, देन उसको हम चेंज भी करेंगे बाद में, तो ये कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है काउंटर एप्लीकेशन, उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट काउंटर। ठीक है, काउंटर क्रिएट किया, ये हमने बनाया एक फंक्शन। इस काउंटर कंपोनेंट के अंदर ये एक ऐप है,
हम इसमें दूसरा जो एक्सटेंशन है वो भी यूज कर सकते हैं किसी भी फाइल नेम में, JSX, ठीक है? तो JSX लिखने से आपको सजेशन मिलने लगेंगे HTML के। सो आई ऑलवेज यूज JSX, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर से रन करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। ओके, नाउ H1 ऐड किया, ये यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर ऐप। इस काउंटर ऐप को यूज नहीं किया हमने, वापस चलते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे यूज करते हैं इस काउंटर ऐप को, लाइक दिस। ये आ गया काउंटर ऐप। अब इस काउंटर ऐप के अंदर हमको एक इनिशियल काउंटर ऐड करना है। सो फॉर एग्जांपल ऐड किया हमने काउंटर, ये काउंटर हमारे पास है नहीं, तो ऐड करेंगे इस काउंटर को। काउंटर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो काउंटर को हमें चेंज करना है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सो इसको हम कर देते हैं लेट, ठीक है? अब जब हम H1 पे क्लिक करेंगे, या फिर एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, बटन माइनस के लिए, एंड देन एक और बटन बनाया प्लस के लिए। ठीक है, लाइक दिस। अब क्लिक करना है, तो अभी हमने देखा ऑन क्लिक नाम का एक प्रॉपर्टी होता है हर एक एचटीएमएल एलिमेंट में। इसमें ऑन क्लिक को हैंडल करेंगे लाइक दिस। ऑन क्लिक पे मुझे एक फंक्शन रन करना है, क्लिक कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर बनाया, एंड देन क्लिक हैंडलर को रन करेंगे। क्लिक हैंडलर में दो वर्ड्स हैं, तो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है? नाउ ऑन क्लिक में ये क्लिक हैंडलर पास किया, तो जब भी मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे, ये क्लिक हैंडलर रन होगा। कंसोल डॉट लॉग क्लिक ऑन माइनस, क्लिक किया, क्लिक ऑन माइनस आ रहा है कंसोल पे। अभी अगर ना वैल्यू को चेंज करना है, काउंटर का वैल्यू 0 है, काउंटर को प्लस प्लस कर देते हैं तो काउंटर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। माइनस किया, काउंटर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं काउंटर। माइनस किया, प्लस कर दिया हमने, ठीक है? तो माइनस कर देते हैं इसको, माइनस। तो अभी जो काउंटर है उसका वैल्यू माइनस होगा, 1 से डिक्रीज होगा लाइक दिस। सी -1 -3 -4 -5 -7 -8, लेकिन वो स्क्रीन में हमको विजिबल नहीं है, मतलब वो वैल्यूज चेंज नहीं हो रहे हैं। चेंज नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय री रेंडर? जब भी आपके स्टेट चेंज होती है, स्टेट का मतलब है डेटा, आपके अंदर जो कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर आपने जो स्टेट मैनेज की है, या आपके इस कंपोनेंट के अंदर जो डेटा है, जब भी वो डेटा चेंज होता है तो हमको कंपोनेंट को री रेंडर करना पड़ता है, रीपेंट, ठीक है? तो रीपेंट करने के लिए आपको इस फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा, काउंटर फंक्शन को, जो कि इंटरनली कॉल होता है। हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते इंटरनली। तो उसको कॉल करने के लिए कुछ यहाँ पे एक स्पेशल हुक है जिसकी हेल्प से हम स्टेट मैनेज करते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे ही आप इस वैल्यू को चेंज करते हो, इंटरनली वो ऐप को री रेंडर करता है। री रेंडर का मतलब ये है कि ये जो डिव है, इसके लिए जो डिव पी और बटन, इसके लिए वो फिर से जावास्क्रिप्ट जनरेट करके जो नई वैल्यूज हैं उसको पेज में शो करता है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं री रेंडरिंग। जब भी डेटा चेंज होगा, फिर से ये जावास्क्रिप्ट जनरेट होगी, फिर से आपका पेज है वो पेंट होगा आपके ब्राउजर पे, तो उसको हम कहते हैं री रेंडरिंग। बट ये री रेंडरिंग करने के लिए हमको स्टेट मैनेज करने के लिए हमको यहाँ पे एक स्पेशल हुक है जिसको यूज करना है। हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया कि क्या प्रॉब्लम है इस लेटर वेयर में, जो कि हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है? स्टेट मैनेज नहीं हो रहा। नाउ वी विल यूज दी हुक, हुक्स कुछ, यस समवन इज सेइंग समथिंग, नो? ओके, हुक्स क्या होते हैं? हुक्स फंक्शंस हैं, नॉर्मल से फंक्शंस, जैसे सारे फंक्शंस होते हैं वैसे वो भी हैं, बट थोड़ा सा वो स्पेशल है। उसके पास रिएक्ट की कुछ इंटरनल APIs हैं, उसका एक्सेस होता है, जैसे कि वो कंपोनेंट को कब री रेंडर करना है, कैसे वो इंटरनली पूरे ऐप को री रेंडर कर देगा, ये सारी फंक्शनलिटीज हैं हुक्स के अंदर। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो रिएक्ट रिलेटेड हैं, वो इंटरनली आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? उसको हम हुक्स कहते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर हम फंक्शन क्लास, फंक्शन कंपोनेंट्स ही यूज करते हैं।
तो इनिशियली जब आप फंक्शन कंपोनेंट पढ़ रहे हो उस टाइम पे ये कहना कि वो रिप्लेस करते हैं क्लास कंपोनेंट्स की कुछ फंक्शनलिटीज को, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आंसर होगा। ठीक है, वो सही है कि जो क्लास कंपोनेंट में आप कुछ काम करते थे पहले, कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स थी उसको रिप्लेस करने के लिए हुक्स आए, वो अपनी जगह सही है, इसके यूज स्टेट है, ये कोई लाइफ साइकिल मेथड को रिप्लेस नहीं करता है। तो जनरल जो डेफिनेशन है हुक्स की वो ये नहीं होनी चाहिए कि वो लाइफ साइकिल मेथड को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि यूज स्टेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। यूज स्टेट स्टेट मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो स्टेट मैनेज करने के लिए हमारे पास हुक है, हुक एक फंक्शन है जिसका नाम है यूज स्टेट लाइक दिस। रिएक्ट से इसको इम्पोर्ट करेंगे लाइक दिस यूज स्टेट, ये क्या करेगा, ये हमको दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, इसको हम बोल देते हैं स्टेट। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ठीक है आंसर करना। तो यूज स्टेट मुझे जो वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या है, वो कौन से टाइप का वैल्यू है? अरे अरे ओके, एंड व्हाट इज सेट स्टेट एंड सेट स्टेट, अरे ऑब्जेक्ट। एज एन इंटरव्यूअर आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, ये मुझे एक स्टेट देता है। हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सिंटेक्स लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और दो वैल्यूज लिख देते हैं, स्टेट एंड सेट स्टेट। क्यों करते हैं हम ऐसा? रिएक्ट का कोई स्पेशल सिंटेक्स है ये या फिर कुछ और, क्या है? जो नॉर्मल वाला स्टेट रहता वो अपना करंट स्टेट रहेगा, और जब सेट करेंगे अपन बाद में तो वो सेट स्टेट वो रहता। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, स्टेट सेट स्टेट। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा डिटेल में मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई कर सकता है? एनीवन? बहुत डिटेल में 0 to 1। यस नो ओके, समझते हैं इसको। काउंटर को रिमूव करते हैं, काउंटर को रिमूव किया। ये क्या बोल रहा है, लाइन काउंटर इज नॉट डिफाइंड, ये रहा काउंटर, तो उसको बोल देते हैं काउंटर। सेट काउंटर, ये जो यूज स्टेट है ये एक एरे रिटर्न करता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये हमको एक एरे रिटर्न करता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेट, ये क्योंकि एक एरे था, और हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू स्टेट का जो पहला वैल्यू है वो मुझे मिल गया, एंड देन स्टेट का जो दूसरा वैल्यू है विच इज फंक्शन वो हमको पता है, तो उसको हमने स्टोर कर लिया सेट काउंटर में। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू है 3 लाइन में? नहीं, सेम चीज है। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एरे डिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि एक एरे रिटर्न करता है, तो आप इस तरह से 0 एंड 1 लिखोगे, जो कि लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन सिंटेक्स अगर हम थोड़ा और अच्छा इसको आसान कर दें तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम एरे को डिस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे करते हैं डिस्ट्रक्ट, तो यहीं पे हम डायरेक्टली पहला एलिमेंट एक काउंटर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, दूसरा वैल्यू हम सेट काउंटर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। सर, ये हमें पता कैसे चलेगा कि यू स्टेट क्या क्या मतलब रिटर्न कर रहा है? माउस ओवर करो आप इस पे, ये बताएगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो इसका। और एक चीज कर सकते हो जो कि है कंसोल डॉट लॉग, सबसे आसान तरीका, कंसोल डॉट लॉग यूज स्टेट को यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो आप क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन। तो एक एरे है जिसका साइज 2 है, जिसका पहला वैल्यू अनडिफाइंड है, दूसरा वैल्यू एक फंक्शन है, तो अगर मैं इसको 1 पास करता हूं तो पहला वैल्यू 1 मिल गया, दूसरा वैल्यू फंक्शन मिल गया। जैसे कि आप सभी को पता ही है इनिशियल वैल्यू आपको पहले वाले वेरिएबल में मिलता है और दूसरे वेरिएबल में मिलता है सेट करने का फंक्शन। तो ये कंसोल पे मैंने प्रिंट किया, मुझे एक एरे मिला जिसका लेंथ 2 है, तो वही चीज मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्ट करके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। यस, अभी हम अपडेट करने के लिए करेंगे सेट काउंटर का यूज, और काउंटर को यूज करेंगे उसको रीड करने के लिए। तो सेट काउंटर जैसे ही कॉल होगा ये कंपोनेंट को रीड एंडर करेगा, काउंटर विच इज पुराना वैल्यू एंड प्लस 1 किया, -1 माइनस, इसका इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं लाइक दिस, एंड देन नाउ यू कैन सी अपडेट होने लगा।
ठीक है, सेम चीज प्लस के लिए करना है, तो कॉपी करते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिखा क्लिक हैंडलर, इंक्रीमेंट हैंडलर, एंड दूसरी वाले बटन पे मुझे ऑन क्लिक पे कॉल करना है इंक्रीमेंट हैंडलर, एंड इस क्लिक हैंडलर को बोल देते हैं डिक्रीमेंट हैंडलर। फंक्शन के वेरिएबल के नेम्स प्रॉपर होने चाहिए, भले वो थोड़े से बड़े हो जाएं चलेगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, नाउ प्लस किया, लॉजिक चेंज करना पड़ेगा इंक्रीमेंट में, प्लस। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, सही है। अभी हम जो फंक्शन, जो काम दो फंक्शन से कर रहे हैं, वो हम एक फंक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लॉजिक चेंज कर रहे हो, तो ये लॉजिक कंडीशनल हो सकता है। आप इस फंक्शन को बता दो पैरामीटर में कि प्लस करना है या माइनस, और उस बेसिस पे आप प्लस और माइनस कर दो, या यस फिर आप सिर्फ इसको एक नंबर पास कर दो कि कितने नंबर से इंक्रीमेंट करना है। माइनस वन से करोगे तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, प्लस वन से करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर, इसको रिमूव करते हैं, इसको हम बोल देते हैं काउंटर चेंजर, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, मीनिंगफुल। ठीक है, अभी मैं इसको एक पैरामीटर में पास करूंगा कि कितने से उसको माइनस और प्लस करना है, तो एक नंबर पास करेंगे, एंड जो भी नंबर आपने पास किया है उसको इस पे प्लस कर देते हैं, लाइक दिस प्लस नंबर। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। 10 + -1 कितना हो जाएगा? 9। एंड देन यहाँ पे एरो फंक्शन पास करेंगे, क्योंकि हम उसको कॉल बाद में करना है। एरो फंक्शन कॉल होगा इंटरनली, उसके अंदर से हम काउंटर चेंजर को कॉल करेंगे विद -1। एंड सेम चीज यहाँ पे विद +1। तो एक ही फंक्शन को मैंने यहाँ पे रियूज किया। ठीक है, अब इस फंक्शन को बनाने का एक फायदा है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो +2 + 3 + 4, और जस्ट आप इस वैल्यू को चेंज करो 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, सो लाइक दिस आप इस फंक्शन को रियूज कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, ओके। नाउ रेफ्स के बारे में देखते हैं, रेफ्स क्या करते हैं। उससे पहले समझते हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट एक हुक है जिसकी हेल्प से आप अपने कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हो। लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल मतलब उसके बनने से लेके उसके खत्म होने की प्रोसेस। ठीक है, समझ में आई लाइन क्या बोला मैंने? लाइफ साइकिल मतलब कब क्या हो रहा है उसके बनने से लेके उसके एंड होने तक के बीच में, वो होता है लाइफ साइकिल। सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट होता है विच इज माउंटिंग फेस। माउंट होता मतलब स्क्रीन पे दिखने लगा आपको, माउंट हो गया। माउंटिंग के बीच में कुछ डेटा वगैरह चेंज हो रहा है, तो उस डेटा को भी आप हैंडल कर सकते हो, कब डेटा चेंज होने पर क्या काम करना है, डिपेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं। तीसरा होता है कॉम्पोनेंट अनमाउंट हो गया, मतलब कि आपकी स्क्रीन से चला गया, विच इज अनमाउंटिंग। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक हुक है, और उस हुक की हेल्प से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यूज करते हैं इस हुक को। तो फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे ही मैंने काउंटर चेंज किया, मुझे एक जो काउंटर की जो वैल्यू है, वो मुझे इनिशियल वैल्यू मुझे एक एपीआई कॉल से लेके आना है। ठीक है, ये जो वैल्यू है मुझे ये एपीआई कॉल से मिलने वाली है, इनिशियल वैल्यू। तो ये जो काम है आप इसको इफेक्ट के अंदर कर सकते हो, यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट परफॉर्म साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स मतलब कि एक तरह से आपके बैकग्राउंड के जो टास्क हैं वो। ठीक, जैसे कि नोटिफिकेशन को रीड करना, डेटा को फैच करना, डेटा सेव करना, या किसी डेटा के चेंज होने पे कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करना, कोई लिसनर ऐड करना। कोई लिसनर मतलब कि आप कुछ कर रहे हो और वो उसको तक रहा है। जैसे ये हो, मुझे ये काम करना है।
इसको बोलते हैं लिसनर, ठीक है, जो लिसन करे, तो वो काम करोगे आप पीछे से। ओके, देखते हैं इसको इन एक्शन। सबसे पहला यूज इफेक्ट का यूज, विच इज कंपोनेंट की माउंटिंग। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से, यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, एक हुक है, और ये हुक एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन इन द पैरामीटर। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर इज अ फंक्शन, क्योंकि जैसे कंपोनेंट माउंट हो कुछ करना है, कुछ करना जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब है फंक्शन। एक्शन इज अ फंक्शन, कुछ करना है इज अ फंक्शन। ठीक है, और एक डिपेंडेंसी एरे जो ये बताएगा कि कब करना है, क्या करना है, कब करना है। ठीक है, तो अगर ये एम्प्टी है इसका मतलब है कि जैसे ही माउंट हो तब करना है। ठीक है, नाउ इसके अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग कॉम्पोनेंट माउंटेड। माउंटेड मतलब पेज पे आपको देखने लगा है, डॉम के अंदर वो जा चुका है। डॉम मतलब आपका पेज, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक, पेज को रीलोड करते हैं एंड इनिशियली यहाँ पे आया कॉम्पोनेंट माउंटेड, कॉम्पोनेंट माउंटेड। अब ये दो बार आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड है। स्ट्रिक्ट मोड एक डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, डेवलपर्स एज वेल एज रिएक्ट। तो उसको अभी रिमूव कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा थ्योरी है, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ें। ठीक है, तो अभी पेज को करते हैं रीलोड, कॉम्पोनेंट माउंटेड आया। तो कॉम्पोनेंट जैसे ही स्क्रीन पे आ गया, दिखने लगा कॉम्पोनेंट माउंटेड यहाँ पे रन हुआ। कॉम्पोनेंट माउंट होने के बाद आप क्या करोगे, कॉम्पोनेंट जब माउंट हो जाएगा तब आपको एपीआई कॉल करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप, हो सकता है कॉम्पोनेंट माउंट नहीं हो और आपने एपीआई कॉल कर दिया, डेटा भी आ गया और आप डेटा स्क्रीन में दिखाना चाहते हो, लेकिन स्क्रीन ही रेडी नहीं है तो डेटा कैसे दिखाओगे ना? आप चाहते थे इस काउंटर को जीरो वैल्यू आप इस पैराग्राफ के अंदर दिखाओ, लेकिन वो पैराग्राफ ही रेडी नहीं हुआ तो आप वैल्यू कैसे दिखा सकते हो? तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये पैराग्राफ बन नहीं जाता, और जैसे ही पैराग्राफ बन गया उसके बाद हम एपीआई कॉल करके डेटा ले आएंगे और फिर उसको रेंडर कर देंगे। रेंडर हम नहीं करेंगे, हम स्टेट को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक वो रेंडर हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे कंपोनेंट माउंट हुआ मुझे इसका इनिशियल वैल्यू सेट करना है, वो कर लेते हैं। तो हमने एक सेट टाइम आउट लगाया, मैं चाहता हूँ कि एपीआई कॉल होने में अगर एक सेकेंड का समय लगा, मान लेते हैं कि ये एक सेकेंड का समय लगा। ठीक है, तो हम एक तरह से आप समझ लो मॉक एपीआई है, एंड एक सेकेंड बाद हम क्या करेंगे, सेट काउंटर को कॉल करेंगे एंड देन इसको हम सेट करेंगे इनिशियल वैल्यू 10। ठीक, पेज को करते हैं रीलोड, 10 हो गया। ठीक है, दो सेकेंड करते हैं, पेज को रीलोड किया 0 1 2 सेट प्लस 2 माइनस 2 लाइक दिस। ये हुआ कंपोनेंट माउंटिंग, माउंटिंग फेस। अब कंपोनेंट के पास है एक एरे विच इज डिपेंडेंसी एरे। इस डिपेंडेंसी एरे में हम ये बताएंगे कि जब हमारा स्टेट कुछ, कोई भी स्टेट है जो चेंज होता है, उस स्टेट के चेंज होने पे हमको क्या करना है वो आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, हो सकता है आप कुछ एपीआई कॉल करना चाहते हो किसी वैल्यू के चेंज होने पे। ठीक है, तो कुछ बटन्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे। या फिर एक काम करते हैं, एक और यूज इफेक्ट ऐड किया जिसके अंदर हम एक काउंटर को ऐड करेंगे यहाँ पर, काउंटर। नाउ व्हाट आई वांट, मैं एक एपीआई कॉल करना है और हम सर्वर को ये वैल्यू सेंड करना चाहते हैं। तो जैसे ही काउंटर चेंज हो हमने सर्वर को सेंड कर दिया अभी करंट वैल्यू क्या है, ताकि वो डेटाबेस में सेव हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही काउंटर चेंज हो तब आपको एपीआई कॉल करना है। तो आप इस तरह से यूज इफेक्ट लगा सकते हो जहां पे आप डिपेंडेंसी में पास करोगे काउंटर, और जैसे ही काउंटर चेंज होगा ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, काउंटर चेंज्ड, एंड देन काउंटर को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। नाउ सी, प्लस किया तो जो लेटेस्ट वैल्यू है काउंटर का वो हमको मिल रहा है। ठीक, तो अब आप यहां पे कर लो एपीआई कॉल। मेक सेंस, कॉलिंग एपीआई टू सेव काउंटर इन डीबी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट?
यस नो ओके नाउ कंपोनेंट अनमाउंटिंग क्या होती है? कंपोनेंट अनमाउंटिंग का मतलब ये है कि आपका जो कंपोनेंट है वो स्क्रीन से जाने वाला है, ठीक है? तो कौन सा कोड है जो आप कंपोनेंट के जाने से पहले रन करना चाहते हो? कोई एग्जांपल, एनीथिंग, कुछ होता है? हर चीज के जाने से पहले कुछ होता है, अंतिम संस्कार। लोडर, ओके। और ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपने लिसनर सेट किया है, ठीक है? आपने एग्जांपल क्रिएट किया कभी कंपोनेंट अनमाउंट होने का, और उसका एक रियल टाइम एग्जांपल कि ये सच में कुछ करता भी है या फिर नहीं करता है, ये बस थ्योरी पड़ी हुई है। लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे। एक इसको हम कमेंट कर देते हैं लाइक दिस, एंड देन एक कंपोनेंट बनाते हैं इस सेम पेज पे। एक कंपोनेंट का नाम हमने रखा स्टूडेंट कंपोनेंट, ठीक, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू लाइक दिस, एंड ये रिटर्न करेगा एक कंपोनेंट विच का जिसका नाम है स्टूडेंट कंपोनेंट, स्टूडेंट कंपोनेंट लाइक दिस। स्टूडेंट्स मतलब वो लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट मतलब सिंगल स्टूडेंट, ठीक। इसके अंदर हमें बनाना है एक टेबल, या फिर हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस, यूएल यूएल, और ये जो स्टूडेंट है ये रिटर्न करेगा एक एल आई विच इज लिस्ट आइटम, जिसके अंदर एक स्टूडेंट होगा और इसके अंदर होंगे मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो एक एरे बना लेते हैं कॉन्स्ट यूज स्टूडेंट्स सेट स्टूडेंट्स, यूज स्टेट इनिशियली ये एम्प्टी है, एपीआई कॉल करके डेटा लेके आते हैं, यूज इफेक्ट का भी एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है? मान लेते हैं इनिशियली कुछ डेटा है हमारे पास, जैसे कि पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, एंड देन उसे हमें रेंडर करना है। तो हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा लॉजिक लगा सकते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट आपको आता है वो सारा जावास्क्रिप्ट आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। तो क्योंकि मुझे एक लिस्ट का एरे क्रिएट करके इसको देना है, वो हम कैसे करेंगे? जब आप मैप करते हो तो क्या होता है इंटरनली? जब आप मैप को कॉल करते हो और आप कुछ रिटर्न करते हो तो इंटरनली क्या होता है? ये होता है, यहाँ पे मैप को यूज नहीं कर रहे हैं हम, हमने लिखा एक एरे और एरे के अंदर हमने लिखा वीरेंद्र, इसके बाद लिख देते हैं वी, कॉमा किया दूसरा लिस्ट एलिमेंट और उसके अंदर हमने लिखा एस। ये होता है इंटरनली, एक एरे बन जाता है लिस्ट का और वो लिस्ट यहाँ पे हो जाती है रेंडर। लाइक दिस आ गया सेम एग्जांपल। तो ये जो काम है हम इसको लूप के थ्रू कर सकते हैं, लिस्ट ही तो बना रहे हैं हम, हमारे पास वी और एस है, हम लिस्ट को ट्रांसफॉर्म करके उस वी और एस को एक लिस्ट आइटम में रैप कर रहे हैं। तो हम इसको मैप के थ्रू कर सकते हैं, लूप के थ्रू कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैप यूज करते हैं क्योंकि मैप इटरेट होने के बाद एक नया एरे हमको रिटर्न कर देता है, इसलिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स डॉट मैप, मैप करने के बाद हमें यहाँ पे एक एक स्टूडेंट मिलेगा लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे हमने ऐड किया एल आई, एंड देन एल आई के अंदर हमें इस स्टूडेंट को रेंडर करना है, सेम रिजल्ट। अब क्योंकि ये एल आई इस स्टूडेंट कंपोनेंट के पास है तो उसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे स्टूडेंट कंपोनेंट दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे वीरेंद्र एंड वीरेंद्र आ गया क्योंकि यहाँ पे सेम कंपोनेंट सेम नेम है। अगेन इसको पैरामीटर में पास करेंगे नेम, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स नेम पास करना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट लाइक दिस, ठीक है? तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है हम इसको एक एपीआई के थ्रू लेके आते हैं। तो सर्च करते हैं एक एपीआई, कौन सा एपीआई यूज करें, स्टूडेंट्स मॉक एपीआई,
मॉक एपीआई फ्री नहीं है। जेसन प्लेस होल्डर ये रहा जेसन प्लेस होल्डर। इसमें क्या होगा कि कुछ एपीआईज हैं जो कि हमको कुछ डेटा रिटर्न करते हैं, जैसे कि यूजर्स नाम का, तो हमको 10 यूजर्स का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, हम इसको यूज करेंगे फॉर लर्निंग। तो हम इस एपीआई को कॉल करेंगे, हमें यूजर्स का डेटा मिल जाएगा और उस यूजर को हम रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉल कहाँ पे करेंगे? अगेन एपीआई कॉल यूज इफेक्ट के अंदर, जैसे हमारा कॉम्पोनेंट क्रिएट हुआ इसके अंदर एपीआई कॉल यूज इफेक्ट लाइक दिस। और इस यूज इफेक्ट को हमें एक बार रन करना है जब कॉम्पोनेंट रेंडर हो जाए। हमें कॉल करना है एक रिक्वेस्ट, यूज करेंगे फेच का, एक्सियोस का भी यूज कर सकते हो आप, बट एक्सियोस इंस्टॉल ना करना पड़े मुझे, इसलिए मैं फेच का यूज कर रहा हूँ। फेच आपको रिटर्न करेगा प्रॉमिस, यूज करेंगे देन आपको मिलेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो मिलता है वो बाइनरी होगा, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट किया डॉट देन आपको मिल जाएंगे सारे यूजर्स एंड देन कंसोल डॉट लॉग यूजर्स। सी 10 रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। इसके अंदर है नेम एक प्रॉपर्टी, तो हमको इससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। सेट स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारे पास रिजल्ट आ गए, हम सारे स्टूडेंट्स को जो यूजर्स हमको मिले उसको हमने स्टूडेंट स्टेट में चेंज ऐड कर दिया, इसकी जरूरत नहीं। तो जो स्टूडेंट्स में है वो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का हमको नेम पास करना है, तो स्टूडेंट डॉट नेम लाइक दिस। ओके, कुछ एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड क्योंकि यूज स्टेट अनडिफाइंड है, और यहाँ पे आएगा एम्प्टी अरे। थोड़ा स्लो जाना है, ठीक है चलो चलते हैं। आई थॉट कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यूज स्टेट एपीआई कॉल्स, दैट इज व्हाई। ठीक है, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। कौन सा पार्ट है जो समझ में नहीं आया? स्टूडेंट रेंडरिंग समझ में आई, एपीआई कॉल्स आर टोटली न्यू। ओके, एपीआई कॉल्स न्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इग्नोर कीजिए। लेट मी चेंज इट, कॉपी करते हैं इस कंटेंट को एक लास्ट में। कॉन्स स्टूडेंट्स अंडरस्कोर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने एक स्टूडेंट का लिस्ट दे दिया, स्टूडेंट का लिस्ट आ गया इनिशियल स्टूडेंट्स, एंड देन कोई एपीआई कॉल नहीं करना है मुझे। यूज इफेक्ट में डायरेक्टली मुझे सेट स्टूडेंट्स करना है जो कि है इनिशियल स्टूडेंट, अंडरस्कोर स्टूडेंट इज माय इनिशियल स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ पेज रीलोड किया, सेम रिजल्ट। ठीक है, एक्सियोस और फैच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक रैपर है। एक्सियोस हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड कर देता है। ठीक, यूज इफेक्ट, ओके, यूज इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या क्लियर नहीं है? अनम्यूट एंड टॉक। आर्ग्यूमेंट पासिंग, आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंसी। अभी हमने एक मिनट, ओके ये रहा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने यूज स्टेट कॉल, यूज इफेक्ट कॉल किया, तो अगर इसका जो एरे है वो एम्प्टी है, इसका मतलब है कि जैसे कॉम्पोनेंट माउंट होगा ये फंक्शन कॉल होगा। अगर इस एरे के अंदर कोई वैल्यू पास की आपने और वो वैल्यू चेंज होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, सिंपल। क्या डाउट है इसमें? अभी समझेंगे इसको और थोड़े डिटेल में, ठीक है, इसके बाद। डिपेंडेंसी एरे का क्या मतलब है? तो हमने स्टूडेंट को रेंडर किया, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे अनमाउंटिंग के टाइम पे क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा स्टूडेंट कंपोनेंट है इसके अंदर ये लिस्ट रेंडर हो रहा, तो ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। इसके अंदर यूज करते हैं यूज इफेक्ट अगेन, यूज इफेक्ट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब एक बार रन होगा ये। नाउ कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट नेम, मतलब ये सब कॉम्पोनेंट का नाम मुझे देगा, एंड देन इज रेंडरिंग। ठीक है, नाउ कंसोल पे देखेंगे जितने कंपोनेंट्स होंगे उतने बार ही रेंडरिंग होगी, की पास करना है की यहाँ पे।
एक कंपोनेंट का जिसपे आप मैप करते हो, जिसपे आप इटरेट करते हो, उसको एक की पास करना जरूरी है ताकि जब री रेंडरिंग हो तो रिएक्ट को पता हो कि कौन सी की वाला री रेंडर हुआ, मतलब कौन किसका डेटा चेंज हुआ किसका नहीं हुआ। जिसका डेटा चेंज नहीं होगा उस की के बेसिस पे रिएक्ट पता करेगा कि इसका डेटा चेंज नहीं हुआ तो इसको री रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे हम फिल्टरिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, तो सर्चिंग एंड फिल्टरिंग आसान हो जाती है इंटरनली रिएक्ट के लिए। दैट इज वाई वी पास की एंड वी शुड बी यूनिक। यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट इज री रेंडरिंग, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है, नॉट री रेंडरिंग, इट इज रेंडरिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम है कॉम्पोनेंट रेंडर हुआ क्योंकि हमने उसको प्रॉप पास किया और वो प्रॉप यहाँ पे प्रॉप पास किया, फंक्शन कॉल होगा एंड ये रेंडर हो गया, ठीक है। अभी हम इस कॉम्पोनेंट को रिमूव करेंगे, इस कॉम्पोनेंट को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे रिमूव? तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट हम रेंडर कर रहे हैं इस पे हम एक फंक्शन ऐड कॉल करेंगे जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर, क्लिक हैंडलर कॉन्स्ट, उसको हम बोल देते हैं डिलीट स्टूडेंट। डिलीट करना है स्टूडेंट, कंसोल डॉट लॉग डिलीट। डिलीट कब करना है? जब आप स्टूडेंट के किसी बटन पे क्लिक करोगे, वो बटन यहाँ पे होगा, लाइक दिस, ठीक है। जब आप क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे तो ये स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा। बट इस क्रॉस बटन पे क्लिक करने के लिए हमें एक एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, स्पैन ऐड कर दिया, इनलाइन एलिमेंट है, इससे यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम इस पे एक्स्ट्रा स्टाइलिंग और एलिमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं सिर्फ उस क्रॉस के लिए। तो यहाँ पे हमने ऐड किया ऑन क्लिक। जब आप इस क्लिक करोगे, मुझे फंक्शन कॉल करना है, वो फंक्शन मुझे मिलेगा प्रॉप्स से, प्रॉप्स डॉट ऑन डिलीट। तो प्रॉप्स के पास कोई ऑन डिलीट है क्या? लेट्स प्रिंट इट, देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट ऑन डिलीट। ऑन डिलीट अनडिफाइन है क्योंकि हमने ये सेंड नहीं किया इसको, इस स्टूडेंट कॉम्पोनेंट को, एंड ये रहा हमारा स्टूडेंट कॉम्पोनेंट, इसको हमने ऑन डिलीट दिया ही नहीं। तो पास ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन रन करना है डिलीट पे? डिलीट स्टूडेंट, इसको हम पास करेंगे डिलीट स्टूडेंट। अभी मेरे पास ऑन डिलीट के पास एक फंक्शन आ चुका है, लेट्स क्लिक इट। क्लिक किया एंड डिलीटेड जो फंक्शन है वो इंटरनली अब कॉल होने लगा। ऑसम। बट इसमें प्रॉब्लम है कि डिलीट पे आपने क्लिक किया बट इसमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा वाला स्टूडेंट है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो? तो जब हम एक फंक्शन को जो हमने आर्गुमेंट में पास किया है उसको हमें कॉल करना है विद डेटा, तो हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं लाइक दिस। इससे क्या होगा कि ये डिलीट फंक्शन, डिलीट स्टूडेंट डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, ये एरो फंक्शन के थ्रू कॉल होगा और हम इसको अब यहाँ पे डेटा पास कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है यही मुझे डिलीट करना है, तो हमने कहा स्टूडेंट डॉट आईडी। तो अब मुझे यहाँ पे पता चलेगा इस डिलीट स्टूडेंट पे जो आईडी मिला है उसको मुझे डिलीट करना है लाइक दिस। सारा खेल आर्ग्यूमेंट्स का, डेटा पास करना है आर्ग्यूमेंट्स, डेटा कहीं भी पास करना है आर्ग्यूमेंट, कॉम्पोनेंट हो या फंक्शन हो या फिर हैंडलर हो। नाउ आई क्लिक्ड कंसोल, क्लिक्ड आईडी 1, क्लिक्ड आईडी 2। सब मुझे पता चल रहा है कि मैं कौन से आईडी वाले स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। डिलीट कैसे करेंगे? इस स्टूडेंट की लिस्ट में से वो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, और जब हम डिलीट करते हैं या कुछ ऐड करते हैं अपडेट करते हैं तो यूजिंग दिस सेट स्टेट हम उसको डिलीट या अपडेट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे मैनिपुलेशन नहीं करना है, कुछ भी डिलीट नहीं करना, हम इसका पहले कॉपी क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ कॉपी, अंडर स्कोर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू डॉट 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 स्टूडेंट्स। तो पुराने वाले स्टूडेंट का हमने कॉपी क्रिएट किया यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, एंड देन इस अंडर स्कोर स्टूडेंट्स पे हमें डिलीट करना है। सो लेट्स स्प्लाइसेस, स्प्लाइस स्प्लाइस क्या करेगा? एक एलिमेंट डिलीट कर देगा जो भी आप इंडेक्स पास करोगे। तो उसको मैंने आईडी पास किया ID-1, क्योंकि मुझे ID-1 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडेक्स पास करना होता है। तो पहले हम सर्च करेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। ये लॉजिकल पार्ट है इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वी आर लर्निंग रिएक्ट, ठीक है। ये एरे का सिंपल सा मेथड है, हमें फाइंड को कॉल करना है, अंडर स्कोर स्टूडेंट्स डॉट अंडर स्कोर स्टूडेंट्स डॉट फाइंड इंडेक्स। इस फाइंड इंडेक्स को एक एक स्टूडेंट मिलेगा
और मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसका आईडी इज इक्वल्स टू गिवन आईडी। तो अगर वो मिल गया तो मुझे वो इंडेक्स मिल जाएगा। एंड जैसे मुझे वो इंडेक्स मिला अंडरस्कोर स्टूडेंट्स में से मुझे स्प्लाइस करना है एक एलिमेंट इस इंडेक्स से डिलीट करना है कितने एलिमेंट एक एलिमेंट तो वो डिलीट हो जाएगा। बट अगेन मुझे इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट नहीं करना है तो इस एरे में जो मैनिपुलेट हुआ है वो मुझे सेट करना है अगेन सेट स्टूडेंट की हेल्प से। तो कॉम्पोनेंट री रेंडर हो जाएगा लाइक दिस। नाउ लेट्स सी हुआ डिलीट लाइक दिस। ओके तो ये जो तामझाम हमने की है ये इसलिए की है क्योंकि हम समझ सकें कॉम्पोनेंट अनमाउंट हो रहा है। तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ ये जो कॉम्पोनेंट ही डिलीट हुआ इसको हम बोलते हैं अनमाउंटिंग। तो अनमाउंटिंग के टाइप पे आपको अगर कुछ रन करना है तो वो आप कहाँ पे करोगे? तो आप इस कॉम्पोनेंट के अंदर जो यूज इफेक्ट लिखते हो इसके अंदर से अगर आप एक फंक्शन रिटर्न कर दो, ये एक फंक्शन बनाया इसको हमने रिटर्न किया, ये जो रिटर्न फंक्शन है ये रन होगा जब आप कॉम्पोनेंट को अनमाउंट करोगे। कंसोल डॉट लॉग अनमाउंटिंग आया, अनमाउंटिंग एक कॉम्पोनेंट अनमाउंट हुआ। अगेन दिस इज द मीनिंग ऑफ अनमाउंटिंग, क्रिएट होना यूज इफेक्ट का जो नॉर्मल फंक्शन ये कॉल होगा और जो फंक्शन आपने रिटर्न किया है वो तब रिलीट तब रन होगा जब आपने तब आप उसको डिलीट करोगे तब। ठीक है ये क्लियर हुआ होगा आई थिंक, कोई डाउट? ओके 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है अनमाउंटिंग समझ में आ रहा है। ओके तो ये हो गया अनमाउंटिंग फेस कि कैसे अनमाउंट होता है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि समझ में आया होगा करना क्या है अनमाउंटिंग। प्रिंट करने के लिए तो किया नहीं होगा कि आप प्रिंट कर दो कि कंपोनेंट चला गया, ये उसका यूज नहीं है। ठीक है तो मान लेते हैं कि मुझे हर एक एलिमेंट के बाजू में एक टाइमर दिखाना है। दिखा सकते हैं कोई बड़ी बात है नहीं। कैसे दिखाएंगे इसको? हम यहाँ पे एक टाइमर लगा देते हैं, स्क्रीन विजिबल है राइट? हाँ तो यूज इफेक्ट के अंदर हमने एक टाइमर लगाया है, यहाँ पे हमने लिखा सेट इंटरवल और इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, ये जो इंटरवल है ये हमेशा ये चलेगा 2 सेकंड बाद, हर 2 सेकंड बाद ये चलेगा और ये कंसोल पे प्रिंट करेगा या फिर जस्ट कंसोल पे नहीं हाँ कंसोल पे हम प्रिंट करवा रहे हैं अभी कि इस प्रॉप के साथ जो नेम आया है वो कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट नेम एंड देन ये टाइमर चलेगा एंड देन एक प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे न्यू डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग लाइक दिस। नाउ अभी देखना है हर 2 सेकंड बाद ही टाइमर चल रहा है नेम एंड देन उसके बाजू में टाइमर दिख रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? हमारे पास नहीं दिखा रहा है। क्या नहीं दिख रहा? कस्क्री सर वो स्टॉप हो गया है सबके लिए। दिखा रहा है साइड से। हाँ साइड में दिख रहा है, चेंज हो रहा है। ओके जिसको नहीं दिख रहा है एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो आएगा। ठीक है ये इसलिए समझ में आ रहा है कि डेटा सेम है क्योंकि वहां पे डेट हमने दिखाया है टू डेट स्ट्रिंग टू डेट टू टाइम स्ट्रिंग करते हैं इसको एंड देन कंपोनेंट को रीलोड किया। नाउ सी ये प्रिंट हुआ 44.1 पे 44.3 पे 44.5 पे हर 2 सेकंड बाद ही रन हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, मैं कॉम्पोनेंट को डिलीट कर रहा हूँ, ये हमने सारे कॉम्पोनेंट डिलीट कर दिए, अभी भी प्रिंट हो रहा है जबकि वो कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है
समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? यस नो डज इट मेक सेंस? या कोई मतलब नहीं है? तो कुछ तो है जो हो रहा है, जो कि कंपोनेंट है नहीं फिर भी ये चल रहा है। तो ये चीज है जिसको हम करते हैं अनमाउंटिंग में क्लियर। अब यही चीज हो सकती है फायरबेस, आपने कोई डेटाबेस यूज किया और फायरबेस क्या करता है, कंटिन्यूअसली आपको डेटा देता रहता है, लाइव अपडेट होता है आपका डेटा। अब फायरबेस का डेटा जैसे अपडेट हो रहा है आपको मिल रहा है, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर रहे क्योंकि कॉम्पोनेंट ही नहीं है। कॉम्पोनेंट तो डिलीट हो गया बट वो डेटा रीड करे जा रहा है, रीड करे जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए अनमाउंटिंग का यूज करते हैं, लिसनर्स को कैंसिल करने के लिए अनमाउंटिंग का यूज करते हैं। तो जो भी टास्क है जो चल रहा था बैकग्राउंड में उसको क्लियर करना है, तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे। तो उसको कैसे कर सकते हैं, आपने ऐड किया है टाइमर, सेट टाइम जो इंटरवल है वो हमको एक रिटर्न करता है आईडी। हमने लिखा कॉन्स्ट आईडी, इंटरवल की आईडी होती है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम अनमाउंटिंग के पहले, अनमाउंट होने से पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। तो हमने कहा क्लियर इंटरवल, उसको हमने आईडी पास कर दी लाइक दिस। तो अभी देखते हैं हो रहा है। नाउ इसको रिमूव किया, तीन बचे हमारे पास। अब देखोगे आप तीन बार बस आएगा, आया 3 times। अभी सबको डिलीट किया, सिर्फ एक बचा, तो सिर्फ एक ही बार टाइमर चलेगा क्योंकि जैसे मैं डिलीट करता हूँ इंटरवल कैंसिल होते जा रहे हैं, और जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ वो लास्ट इंटरव्यू था, इंटरवल था वो भी कैंसिल हो गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ साफ। उसको हम कहते हैं मेमोरी लीक होना, मेमोरी लीक इसको रोकते हैं हम। ठीक है, फिजूल में मेमोरी यूज हो रही थी, रिमूव कर दिया। दिस द रियल एग्जांपल ऑफ अनमाउंटिंग, कि हम क्या कर सकते हैं अनमाउंटिंग के अंदर, ये कर सकते हैं। ओके, इतना काफी है यूज इफेक्ट के लिए एंड यूज स्टेट के लिए। नाउ देखते हैं यूज रेफ, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे राउटिंग, हाउ टू क्रिएट मल्टी पेज एप्लीकेशंस। ओके फाइल को थोड़ा क्लियर कर लें। एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लाइक दिस। एंड इस कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं से हेलो डॉट जेएसएक्स। एंड देन इस से हेलो के अंदर ये जो से हेलो कंपोनेंट है इसको मूव करेंगे हियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट या फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट से हेलो, से हेलो। ओके, नाउ काउंटर कंपोनेंट है, इसके लिए भी एक अलग फाइल क्रिएट कर लेते हैं, काउंटर डॉट JSX, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट। ये आ गया काउंटर कंपोनेंट, यूज स्टेट की जरूरत है, यूज इफेक्ट की जरूरत है। काउंटर को एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर, इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ एक स्टूडेंट कॉम्पोनेंट है, तो कॉम्पोनेंट के अंदर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट जे एस एक्स, एंड एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स डॉट जे एस एक्स। स्टूडेंट कॉम्पोनेंट को कट किया, स्टूडेंट के अंदर पेस्ट करेंगे। इसमें कोई समझाने जैसा नहीं है, जैसे मैं फाइल को मूव कर रहा हूँ दूसरी फाइल में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंट कट इट, स्टूडेंट्स के अंदर पेस्ट इट, सारे स्टूडेंट्स का डेटा कट इट, स्टूडेंट्स के अंदर पेस्ट इट। ओके, ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने यूज किया है स्टूडेंट्स कंपोनेंट, इंपोर्ट करेंगे, ये आ गया। लाइन नंबर स्टूडेंट के अंदर नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट डिफाइंड नहीं है, ये रहा।
इंपोर्ट करेंगे, ये आ गया, सही है। ओके ये सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ये सारा कोड मैं गिटहब पे पब्लिश करूंगा, आपको उसका रिपोजिटरी का यूआरएल मिल जाएगा। ओके अभी हमने देखा यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, अभी देखेंगे यूज रेफ। यूज रेफ और यूज स्टेट दोनों का जो यूज है, हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कोई बताएगा थोड़ा बहुत, जिसको जितना पता है उतना बताएं। एनीवन स्पीक, बोलेंगे नहीं तो इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाएगी। ये भी एक अच्छा आंसर, नो आइडिया, मैं इंटरव्यू देता हूं तो मैं भी बोल देता हूँ नो आइडिया, शांत रहने से अच्छा है नो आइडिया कहना। ओके बट आइडिया होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। किसी को नहीं पता, यूज रेफ एंड यूज स्टेट में क्या डिफरेंस है? ठीक है देखते हैं, यूज स्टेट एंड यूज रेफ। यूज स्टेट जब आपसे कोई पूछे एज एन इंटरव्यू, इंटरव्यूअर जब भी पूछे, तो एक लाइन में इसका आंसर ये होगा कि यूज स्टेट, मैं यूज स्टेट में जब आप डेटा अपडेट करते हो तो कंपोनेंट रीरेंडर होता है। यूज रेफ में ऐसा नहीं होता है, यूज रेफ में जब आप डेटा अपडेट करते हो तो कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता है, ठीक है देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स क्लिक हैंडलर की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। कमेंट किया, ठीक है, एक कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। ओके यूज स्टेट वेरिएबल को डायनेमिक बनाता है, ठीक है, क्लियर नहीं है इतना आंसर, सही नहीं है ये, मतलब एक ऐसा आंसर जिस पे और क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक वेरिएबल? समझते हैं, एक कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन डू सम, ठीक है, जस्ट सम, ये करेगा सम करेगा, यहाँ पे पास करते हैं सम कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर सम कैलकुलेटर, ये सम कैलकुलेटर के अंदर होंगी दो इनपुट फील्ड्स, कॉन्स्ट div, एक इनपुट फील्ड लाइक दिस, एक और इनपुट फील्ड, इसके बीच में एक लाइन, इसके बीच में एक और लाइन, उसके बाद बटन, ठीक है।
ठीक है, आई एम थिंकिंग एग्जाम्पल में क्या बनाऊं मैं. ठीक है देखते हैं. एक इनपुट फील्ड बनाया है, इसमें कुछ टाइप करेंगे और ये होगा हमारा एक नंबर फील्ड और ये होगा हमारा एक नंबर फील्ड लाइक दिस. ठीक है, अब यूजर एफ के बहुत सारे यूज हैं, सिर्फ एक यूज नहीं है. उसमें से एक यूज ये है कि आप किसी इनपुट वैल्यू ऑफ किसी एचटीएमएल एलिमेंट पे, या जेएसएक्स बोले इसको, बट इंटरनली वो एचटीएमएल एलिमेंट है, जब आप इस पे अप्लाई करते हो तो उस एचटीएमएल एलिमेंट के डायरेक्टली डॉम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है वो रेफ ऑब्जेक्ट, जब आप यूज रेफ का यूज करके उसको इसी एलिमेंट के साथ अटैच कर देते हो. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लिखा कॉन्स्ट नंबर वन रेफ, नंबर वन के लिए मैंने रेफ क्रिएट किया एंड वी विल यूज रेफ लाइक दिस. एक नंबर टू के लिए भी एक रेफ क्रिएट करते हैं, नंबर टू ref like this. And then आप इस input field के साथ इस ref को attach करना चाहते हो तो आप लिखोगे यहाँ पे ref is equals to, ये HTML का property नहीं है, JSX का property है, ref JSX में है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे number one ref and same हम यहाँ पे लिखेंगे ref is equals to number two ref. Okay, और इसके बाद एक बटन है हमारे पास, हमने लिखा कंसो कॉन्स्ट डू सम इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग नंबर वन रेफ नंबर टू का रेफ, दोनों को हमने प्रिंट किया. ठीक है, सबमिट बटन में है, सम इट लाइक दिस. अभी हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया 23 34, सबमिट किया, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको हैंडलर पास नहीं किया. ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डू सम, सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे दो वैल्यूज प्रिंट हुए जिसके अंदर लिखा हुआ करंट, मतलब कि जो रेफ है उसके पास एक करंट नाम का प्रॉपर्टी, करंट के अंदर एक इनपुट वैल्यू आ चुकी है. यू कैन सी इनपुट वैल्यू आया, तो जो इनपुट ऑब्जेक्ट है वो एक डॉम ऑब्जेक्ट है, एचटीएमएल एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट है इनपुट, HTML input element, उसका object मिल गया, मतलब इस input को आप directly एक object मिल गया आपको इस input का. ठीक है, तो directly ये DOM से communicate हो रहा है हमारा, react बीच में नहीं है, हमने bypass कर दिया react की life cycle को using ref. same चीज अगर मैं, अब जरूरी नहीं कि input के लिए भी हो, हर एक चीज के लिए होता ही, तो हमने यहाँ पे लिखा एक ref button के लिए create किया, generally input के लिए use करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा button ref और इसको हम बोल देते हैं बटन रेफ, बटन रेफ लाइक दिस. प्रिंट करते हैं बटन रेफ को, सबमिट पे क्लिक किया, तीसरा जो करंट वैल्यू उसके अंदर बटन है मेरे पास, जो डॉम एलिमेंट है एचटीएमएल बटन एलिमेंट, वो मुझे यहाँ पे मिल गया. तो इस तरह से ये एक यूजर रेफ का कि उसका जो एलिमेंट है आपको डायरेक्टली मिल जाता है. अब इनपुट वैल्यू मिल चुका है, आप इसकी वैल्यूज रीड कर सकते हो. कॉन्स्ट नंबर वन इज इक्वल टू नंबर वन रेफ डॉट करेंट, करेंट के पास है इनपुट ऑब्जेक्ट, उस इनपुट ऑब्जेक्ट की वैल्यू रीड करने के लिए आप लिखते हो वैल्यू. अब ये करेंट आपको सजेशन नहीं दे रहा वैल्यू का, क्यों नहीं दे रहा, करेंट तक का सजेशन मिला वैल्यू का सजेशन नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? एनी रेंडम शॉट, कोई रीजन? क्योंकि इस रेफ को पता नहीं है कि करंट के अंदर क्या है. ये एक बटन का करंट के अंदर बटन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनपुट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डेव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या स्पैन और पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो उसको पता नहीं है कि इसके अंदर इनपुट का वैल्यू, इसलिए वो नहीं बता रहा कि वैल्यू भी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. बट हमें पता है कि इसके अंदर इनपुट है, तो हम इसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे लाइक दिस. ठीक है, नंबर टू रेफ के अंदर से नंबर टू मिल जाएगा. एंड नाउ सेट सम नंबर वन प्लस नंबर टू. ओके, सम कहाँ है? नहीं है. कॉन्स्ट यूज सम कॉमा सेट सम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट इनिशियली जीरो, एंड ये जो सम है इसका वैल्यू like this.
प्लस किया 35 क्यों आया? अच्छा ये जो वैल्यू है ये मुझे स्ट्रिंग वैल्यू देगा, और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग। तो पहले इसको भी नंबर में चेंज करेंगे, उसको भी नंबर में चेंज किया, तो प्लस नंबर स्ट्रिंग नंबर बन जाएगा, प्लस नंबर नंबर बन जाएगा, दोनों को प्लस किया प्लस। ठीक है नाउ एक थोड़ा सा इसको इस पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि सम सम इज रेंडरिंग, ठीक। मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है नहीं, वैल्यू को चेंज किया कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है नहीं हो रहा। सबमिट पे क्लिक किया, सम रेंडर हुआ क्योंकि डेटा चेंज हुआ विच इज स्टेट। लेकिन मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं तो ये जो स्टेट वैल्यू है रेफ वैल्यू ये चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार चेंज हुआ था इसके अंदर करंट में था इनपुट वैल्यू इनपुट ऑब्जेक्ट। जब मैं वैल्यू चेंज करता हूं तो ये वैल्यू चेंज ही नहीं होता। वो वैल्यू रीड हम कब कर रहे हैं? जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं लाइक दिस करंट डॉट वैल्यू। सो करंट के पास एक ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू हमने रीड किया, ठीक है, तो ये रीरेंडरिंग नहीं हो रही है। अब इसी चीज को हम इस इनपुट वैल्यू को रीड करने के लिए यूज स्टेट का भी यूज करते हैं। जनरली आपने किया होगा यूजिंग ऑन चेंज किया है। सेम एग्जांपल को यूज स्टेट से क्रिएट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अंडरस्कोर, इसका भी यूज नहीं कर रहे हम। अब ये वाला कॉम्पोनेंट रेंडर होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नंबर वन नंबर टू है इसको हम यूज स्टेट से हैंडल करते हैं और डिफरेंस देखते हैं दोनों में। कॉन्स्ट नंबर वन सेट नंबर वन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, इनिशियली नंबर वन का वैल्यू जीरो कर देते हैं, एंड देन नंबर टू सेट नंबर टू इनिशियली वैल्यू जीरो। अब जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे तो रेफ की जरूरत नहीं है हमें, ये दूसरा तरीका है इनपुट पे वैल्यू अप्लाई करने का। तो ऑन चेंज पे इसका वैल्यू चेंज होगा। ऑन चेंज को एक एरो फंक्शन दिया हमने, ऑन चेंज को एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, ये तो पता है सबको, या थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसको। एंड देन हम यहाँ पे करेंगे सेट नंबर वन एंड इवेंट ऑब्जेक्ट के पास है टारगेट विच इज अगेन इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू। इस तरह से नंबर वन सेट हो जाएगा एंड देन इनपुट टू पे अगेन लाइक दिस सेट नंबर टू ठीक है। अभी देखना है जब मैं कंपोनेंट को जब मैं वैल्यू चेंज करूंगा, आया? तो जितने बार आप वैल्यू चेंज कर रहे हो सम इज रेंडरिंग, सम कैलकुलेटर रेफ सम कैलकुलेटर स्टेट दोनों को एक साथ देखते हैं, ठीक है। ये हमने कॉपी किया सम कैलकुलेटर रेफ सम कैलकुलेटर स्टेट, ये आ गए दो ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस दो कैलकुलेटर। तो दूसरे वाले कंपोनेंट को देखते हैं, इस पे हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हर बार कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। ठीक है इतना जूम। ओके अभी जो दूसरा वाला है उसमें मैंने स्टेट यूज किया है। जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है क्योंकि मैंने स्टेट यूज किया है। फर्स्ट वाला कैलकुलेटर जिसमें हमने रेफ यूज किया है हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है बस दोनों एग्जाम्पल में आप सम इट पे क्लिक करने पे सम को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका मैं अच्छे से यूज कब कर सकता हूँ? अगर आपने यूज स्टेट का यूज किया ही है तो इसका एक रीजन होना चाहिए। अगर आप किसी बटन पे क्लिक करने पे वैल्यूज रीड कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूज रेफ को यूज कीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि सबमिट बटन ही ना हो और मैं जैसे ही वैल्यूज चेंज करूं तुरंत मुझे सम का वैल्यू मिलना चाहिए, तो उस केस में हम स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे बिना सबमिट बटन के? हमारा क्लिक जो वैल्यू वो सम होता रहे,
तो जो स्टेट वाला है उस पर ये पॉसिबल है, ये फीचर कि आप बिना क्लिक के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको डू सम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डू सम की जरूरत नहीं है, जो सम वैल्यू है इसके लिए स्टेट भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सम लिखेंगे, कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू लाइक दिस, अगेन ये नंबर्स हैं, प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर आपको जो रिजल्ट है वो लाइव अपडेट करना है तो यूज स्टेट का यूज करेंगे, क्योंकि वो कंपोनेंट वो रीरेंडर करता है। लेकिन अगर आपको लाइव स्टेट अपडेट नहीं करना है तो आप यूज रेफ का यूज कीजिए, तो उससे कंपोनेंट रीरेंडरिंग नहीं होगी कम से कम। ये दोनों में डिफरेंस है, समझ पाए या ऊपर से गया? नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ये कोड मिल जाएगा, अपने एंड पे प्रैक्टिस करें थोड़ा ज्यादा से ज्यादा, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर एक्सप्लेन करेंगे किसी इंटरव्यूअर को, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? चैट बॉक्स तो ओपन है, थोड़ा सा हल्ला किया करो चैट बॉक्स में, शांत रहते हो। 50-46 लोग हैं। ठीक है, ओके, ये रहा यूज रेफ, यूज स्टेट। इससे डिटेल मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या दिक्कत है समझ में क्यों नहीं आ रहा? उसका एक रीजन ये हो सकता है कि प्रैक्टिस जरूरी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है टफ, टफ नहीं है, आसान है, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप खुद से जब ये कोड लिखोगे और खुद चेंजेस करोगे कोड में, और चेंजेस करने के बाद जब आप देखोगे कि चेंजेस का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसका एक अलग लेवल होगा। ऐसे देखने से समझ में नहीं आती हैं चीजें, करनी पड़ती हैं। ये सारे एग्जांपल इंटरनेट पे नहीं मिलते हैं, ये हम खुद से कर करके क्रिएट करते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको एक साथ नहीं देखने मिलेगा। आप खुद करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि हाँ ये डिफरेंस है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर इतना ही में लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया। इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, बहुत आसान है। एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर आपके क्लियर होंगे, एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, अगर एक एक लाइन क्लियर होगी तो फिर कुछ है ही नहीं कोड में। सारी चीजें योर वॉइस इज नॉट क्लियर, वुड यू प्लीज टाइप। ठीक है, कोड मिल जाएगा, कोड आपको, तो कोड को एक बार आप देख लो अपने एंड पे, समझ में जाएगा। देखते हैं रिएक्ट राउटर अब, ठीक है, कैसे आप मल्टीपेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। जो सम कैलकुलेटर्स हैं इनको मूव कर देते हैं एक अलग फाइल में, और फिर हम मल्टी पेजेस बनाएंगे जिसमें अलग अलग ऐप्स होंगे, ठीक है। एक पेज में एक ऐप, दूसरे पेज में एक ऐप, जितने एग्जांपल्स हमने क्रिएट किए। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सम कैलकुलेटर रेफ डॉट जेएसएक्स, पेस्ट किया, पेस्ट इट हियर लाइक दिस, इसकी जरूरत नहीं है, ओके। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट इट app.js, copy paste state app.jsx, cut it, state, paste it, export it, app.ref state,
import dot dot slash component dot slash components slash ref state ref ठीक है ऐप इज वर्किंग ओके ऐड करते हैं यहां पे कि कैसे आप उसको मल्टी पेजेस यहां पे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास रिएक्ट राउटर नहीं होता तो आप क्या करते क्या करते कैसे आप इसको मल्टी पेज का व्यू देते बिना यूआरएल। मैं यूआरएल को चेंज करने की बात नहीं कर रहा, सिंपली कैसे करते। कंपोनेंट को हाइड एंड शो कर सकते हैं किसी बटन क्लिक करने पे। यस लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपने बटन बनाया, किस बटन पे क्लिक किया है, जिस बटन पे क्लिक किया है उसका वाला कंपोनेंट हाइड कर दिया है, शो कर दिया। हे एम आई ऑडिबल? हेलो यस सर यू ऑडिबल। ओके ठीक है। तो रिएक्ट राउटर क्या करेगा, आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन में मल्टी पेज का व्यू देगा। ठीक है, मल्टी पेज होते नहीं है बट ये हमारा भ्रम होगा कि ये मल्टी पेज है, बट वो होगा एक ही पेज using React Router. React Router का कौन सा वर्जन आपने यूज किया है स्पेसिफिकली, 5 या फिर 6? सर 6.4 पे चलते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे। हाउ टू यूज इट, ये रहा सेटअप, npm install React Router DOM। सर इसका सिंटैक्स थोड़ा गड़बड़ लगता है मेरे को। कुछ नहीं, बहुत आसान है, इससे आसान चीज तो है ही नहीं दुनिया में। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखिए, आपको आज मैं 5 बता रहा हूँ, कल 7 आ गया चेंज हो जाएगा। तो वीडियोस और ब्लॉग्स आपके हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो भी अपडेटेड हो जाएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना जरूरी है ऑफिशियल, कि वो हमेशा अपडेटेड होंगे। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर डॉम ऐड किया, उसको इम्पोर्ट करेंगे, ऐप कॉम्पोनेंट है यहीं पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो रैपर कंपोनेंट रिएक्ट राउटर का वो हम index.jsx में ऐड कर देते हैं ताकि वो सारे ऐप को अवेलेबल हो। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे ब्राउजर राउटर लाइक दिस। कई बार आप इसको देखोगे ब्राउजर राउटर को एज राउटर करके भी इंपोर्ट करते हैं ताकि नाम थोड़ा छोटा हो जाए। yes, ना इसको हम रैप करेंगे इस राउटर के अंदर लाइक दिस। और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि पहले वाले वर्जन में सिर्फ राउटर था। हाँ, सेम वर्जन का फील लेने के लिए इसको रीनेम कर देते हैं कई लोग। ठीक, तो ब्राउजर राउटर ये हो गया। नाउ इस ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे या कहीं पे भी आप राउटिंग कर सकते हो। राउटिंग मतलब आप यहाँ पे ये बताओगे कि कौन से यूआरएल पे कौन सा कॉम्पोनेंट दिखाना है। yes, sir. तो उसके लिए इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम routes एंड राउट, दो चीजें। routes मतलब कि plural, routes के अंदर बहुत सारे route होंगे, और route मतलब कि एक route, route का मतलब है एक तरह से मैपिंग कि कौन सा URL कौन से कॉम्पोनेंट के लिए। तो इस dip को रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं routes ओके। नाउ राउट्स के अंदर होंगे राउटर, एक एक राउट राउट लाइक दिस, एंड देन पहला जो यूआरएल है उसमें रहेगा पाथ इज इक्वल टू स्लैश, एंड इस पे कौन सा एलिमेंट दिखाना है वो आप यहाँ पे बताओगे। सो एलिमेंट मतलब JSX, और मैंने यहाँ पे लिखा H1 होम पेज लाइक दिस। एप्लीकेशन को रन करेंगे, npm start
कोई दिक्कत है? कंसोल कंसोल इज राउट कंपोनेंट ऑल चाइल्ड मस्ट बी इनसाइड राउट और राउटर. ओके तो उसको मैं ये आ गया ठीक है. इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते लाइक दिस ठीक है. अगर उसको लिखना है तो राउट्स के बाहर होगा वो उसके अंदर. ये आ गया हमारा होम पेज. अभी हमें क्या करना है, एक राउट्स के बाहर हमें एक नेव बार बनाना है या फिर एक हेडर जिसके पास लिस्ट होगी कौन कौन सी एप्स है हमारे पास. एक डिव ऐड करते हैं एंड देन इसके अंदर राउट्स बनाया और इसके अंदर एक डिव क्रिएट करके एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर लिस्ट होगी कि कौन कौन सी एप्स हमारे पास अवेलेबल है एंड देन वहां पे हम मैप करेंगे एक एक कंपोनेंट. मैप कर लेते हैं पहले तो एक पाथ हो गया स्लैश जो कि होम पेज को रन करेगा. एक हो जाएगा स्लैश सम कैलकुलेटर कैलकुलेटर रेफ सम कैलकुलेटर रेफ सही है. इस पे मुझे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, सम कैलकुलेटर रेफ ये वाला. विजिट करते हैं इस यूआरएल को, कॉपी किया स्लैश पेस्ट इट सम कैलकुलेटर रेफ आ गया. वापस से कॉपी किया सम कैलकुलेटर स्टेट पे मुझे रन करना है स्टेट कंपोनेंट. कॉपी किया काउंटर ऐप उस पर हमें रन करना है कि काउंटर ऐप नहीं है. लेट्स इंपोर्ट इट स्लैश काउंटर काउंटर काउंटर. ओके इतना काफी है. ये हमारे राउट्स हो गए तैयार. हमको चाहिए एक हेडर. हेडर क्रिएट करने के लिए एक हेडर कंपोनेंट बना सकते हैं अलग से. सो लेट्स गो टू द कंपोनेंट हेडर डॉट हेडर डॉट जेएसएक्स ऐड किया. हेडर डॉट जेएसएक्स एंड देन रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हेडर ऐड किया. स्पोर्ट हेडर ऐप डॉट जेएसएक्स में आएंगे एंड देन हेडर को इसके अंदर ऐड किया लाइक दिस. हेडर है हमारे पास ये रहा. हेडर के अंदर मल्टीपल एप्स हैं जैसे कि हमारा पहला ऐप हो गया काउंटर ऐप. होम एंड देन एक और था कौन सा सम कैलकुलेटर रेफ सम कैलकुलेटर स्टेट. ये हमारे पास फोर एप्स हैं और इस पे हमें लिंक क्रिएट करना है. लिंक क्रिएट करने के लिए हमारे पास स्पेशल टैग है लिंक. अगर हम एंकर टैग का यूज करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए पेज रीलोड हो जाता है. तो लिंक टैग का यूज करेंगे लिंक इंटरनली हैंडल करेगा पेज रीलोड ना हो. बस नीचे जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो चेंज होते रहे यूआरएल के हिसाब से. लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम लिंक. इस लिंक को ऐड करेंगे लिंक पेस्ट इट. ये बन गया एक लिंक. लिंक में एक टू नाम का यहाँ पे प्रॉपर्टी है. टू कहाँ पे जाना है स्लैश पे मतलब कि होम पेज. ओके सेम लिंक 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 देन लिंक ठीक है. टू इज इक्वल्स टू लाइक दिस.
एंड इसके लिए हमको जाना है स्लैश काउंटर पे, सेकेंड सम कैलकुलेटर रेफ स्लैश स्टेट। ओके क्या प्रॉब्लम है इसको? JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव द पेरेंट, ओके हेडर है लेकिन मैंने कहीं क्लोज करना भूल गया हूं क्या? लिंक ओके ये बन गए हमारे पास लिंक्स, क्लिक करके देखते हैं। क्लिक किया होम पे, होम पेज काउंटर पे काउंटर, एंड देन यहाँ पे कुछ गलत है, कोई यूआरएल में मिस्टेक हो गई होगी या फिर मैपिंग में मिस्टेक हो गई, तो उसको चेक करेंगे। सम कैलकुलेटर स्टेट, सम कैलकुलेटर रेफ एप डॉट जे एस एक्स में सम कैलकुलेटर, स्पेलिंग गलत है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर या गया सही है। थोड़ा सा स्टाइल कर लें इसको, स्टाइल्स नाम का एक कंपोनेंट बना लेते हैं। मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा है, सीएसएस मॉड्यूल्स? जी सर। हाँ तो यहाँ पे एक हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस ऐड किया, एंड देन इसके अंदर भी बनाएंगे क्लासेस, सीएसएस क्लासेस हेडर के लिए, तो हेडर में चलते हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश स्टाइल स्लैश हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, एंड देन यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी सारी क्लासेस, एक एक क्लास अप्लाई कर सकते हैं। हेडर है, इस पे हमने क्लास अप्लाई किया, क्लासेस डॉट हेडर लाइक दिस। नाउ वापस चलते हैं, सीएसएस लिखते हैं इसके लिए डॉट हेडर के लिए। सो डॉट हेडर को मुझे रखना है फ्लेक्स, लेआउट चेंज करते हैं, डिस्प्ले इज इक्वल्स टू फ्लेक्स, सही है। Flex. And then dot header के अंदर जितने भी anchors हैं उसका जो text decoration है it should be none like this. And then dot header के अंदर जितने divs हैं उसमें मुझे padding add करना है 10 pixels का, and जो header है उस पर मुझे background color add करना है tomato, ठीक है, and then इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको ऐड करते हैं, मार्जिन लेफ्ट राइट राइट ऐड करते हैं 10 पिक्सल्स का, 20 पिक्सल्स, एंड देन कलर ऐड कर लेते हैं वाइट कलर, यहाँ पे आएगा कलर वाइट, इंडेक्स डॉट सी एस एस, बॉडी में जो पैडिंग है इसकी वजह से ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये आ रहा है, तो इसको रिमूव करते हैं लाइक दिस, मार्जिन एंड पैडिंग जीरो, ठीक। हेडर के अंदर पैडिंग ऐड कर लेते हैं 10 पिक्सल्स का लाइक दिस, एंड जो हेडर है उस पे मार्जिन बॉटम ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स, तो कंटेंट है वो थोड़ा नीचे रहेगा। इंडेक्स डॉट सी एस एस में चलते हैं, एक मेन कंटेंट बनाते हैं, इसके अंदर इसका जो विड्थ है उसको कर देते हैं 80%, एंड इस पे जो मार्जिन है टॉप 10 पिक्सल्स। अभी मेन है नहीं हमारे पास, तो ये हमारे पास एप डॉट जी एस एक्स के पास होगा। ऐप जो डेव है हमारा इसको हम मेन में रैप कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेन कंटेंट हमारे ऐप का वो मेन में रैप रहेगा लाइक दिस, पर मेन के अंदर हेडर भी है तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो हेडर को कर देते हैं बाहर मेन के, और क्योंकि दो चाइल्ड नहीं हो सकते इसको हमें रैप करना पड़ेगा, तो लेट्स रैप इट इन फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है? एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब वो आप फ्रेगमेंट लिख सकते हैं। हां एक्स्ट्रा डिव क्रिएट नहीं करेगा, हां एक्स्ट्रा डिव नहीं क्रिएट करेगा रेंडरिंग के टाइम पे। ठीक, नाउ मेन कंटेंट इंडेक्स डॉट सी एस एस, मार्जिन टॉप हमने ऐड किया, मार्जिन ऐड करते हैं इसमें ऑटो लाइक दिस, तो ये ऑटो हो गया, ठीक है, तो इस तरह से एक ऐप बन गया हमारा।
ref पे चलते हैं, query rendering summit, counter पे चलते हैं counter. So ये हो गया हमारी navigation, ठीक है. हाँ, मॉड्यूल CSS क्या होता है? मॉड्यूल CSS में बेसिकली हमने एक CSS यहाँ पे ऐड किया, डॉट हेडर किया था, और उसको इंपोर्ट किया हेडर के अंदर. तो आप इस हेडर के अंदर हमने CSS अप्लाई किया, तो आप देखोगे कि जो CSS है इसके लिए जो क्लासेस है वो ऑटो जनरेटेड होंगी. तो यहाँ पे देखो header underscore एक की, ठीक है. तो ये जो क्लास, ये जो CSS है, ये स्कोप्ड CSS, इसका मतलब ये है कि ये जो header क्लास अगर मैं इस होम पेज पे अप्लाई करता हूँ तो वो इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस हेडर के लिए बस है, उसका इफेक्ट बाहर देखने नहीं मिलेगा. लेकिन अगर index.css के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है, ये पूरे पेज में अगर कहीं भी मेन है तो ये उस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है. app.jsx के अंदर एक हेडर है, इस हेडर के अंदर हमने उसका कलर चेंज किया था, विच इज टोमेटो. अगर ये हेडर कंपोनेंट मैं यहाँ पे फिर से बना लूं, header like this, and इसके अंदर हमने divide किया, और इस पे मैं एक class apply करता हूँ, class name is equals to header, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, dot header, but वो header class यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो scoped है. तो अगर मुझे उसे use करना है, तो उस module को import करके उसको यहाँ पे apply करना पड़ेगा. This is scoped CSS. Create some examples. ओके, आई होप समझ में आया होगा बहुत कुछ. क्रिएट एग्जांपल्स. ओके, लेट्स सॉल्व फंक्शन ऑब्सेशंस. एडेड मास्टर क्लास, एडेड 27 फाइल्स, पुश इट, जॉइन गिटहब. ये है उसका रिपोजिटरी जिसमें आज का जो सेशन है वो मिलेगा, ये रहा. कॉपी इट, पेस्ट इट. ओके, सो इस रिपोजिटरी पे आप जाके सारा जो कोड है वो यहाँ पे आपको एक्सेसिबल है, SRC, एंड ये रहा सारा कोड. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप मजा आया होगा. अभी कोई डाउट है तो बात करते हैं.